أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا علیہ کما نحمده ولا بلائہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق فالمدبرات أمرا صلوات بابا زبل سب مل کے اسے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر مجلس اعضا منعقد ہے بسلسلہ تذکرہ شہادت سبط اکبر اول موج کوثر آغاز ابنانا ولی عہد امیر المومنین امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذرا ذرا سی نوجوان زحمت کر تھوڑا تھوڑا سا اس فاصلے کو کم کر لیجیے تاکہ آنے والوں کو گفتگو سے قریب ہونے میں بھی آسانی ہو ایک صلوات اور آل محمد کی ذات پر بلند آواز سے دیا کر دیجیے میں نے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں کلام مجید سے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ 79 سورہ مبارکہ نازعات کی 5 آیت ہے توجہ کیجیے قسموں کے تواتر سے کائنات کے مالک نے 5 قسمیں کھائی اور ان 5 قسموں میں اللہ نے مختلف امور کو انجام دینے والوں کی قسم کھائی تھوڑا تھوڑا آپ بولتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں 5 مختلف امور کو انجام دینے والوں کی قسم کھائی آغاز ہوا والنازعات غرقا قسم ہے ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والوں کی جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچ جائے گا اگلی منزل اتنی زیادہ آسان ہے قسم ہے ڈوب کر جان کھینچنے والوں والناشطات نشطا قسم ہے آسانی سے جان نکالنے والوں کی اس کا مطلب ہے کہ ایک بات تو قرآن نے بتا دی کہ 2 طبقے ہیں ایک کی جان مشکل سے نکلتی ہے بہت آسانی سے سن رہے ہیں آپ ایک کی جان مشکل سے نکلتی ہے اور کچھ ہیں جن کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے کوئی ہیں جو مشکل سے جان نکالتے ہیں اور ایک ایک بند کو توڑ کے جان نکالتے ہیں اور کچھ ہیں کہ جنہیں ایسا لگتا ہے کہ پھول سنگھایا گیا کہاں بیٹھے ہیں
सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात के तौर पर। मुझे यकीन है आप इससे बुलंद और बेहतर सलवात पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी जान बड़ी मुश्किल से निकलती है, और जाहिर है कि उस अम्र पे कुछ शख्सियात मुकर्रर की गई हैं कि जो इंसान के बंद तोड़ के जान निकालते हैं। फिर आगे बड़ा कुरान, मुझे रुकना नहीं है इस मंजिल पे, वरना शिकायत नश्ता बहुत आसानी से जान निकाल लेते। फिर कहा बस साबे हाथ है सवाल, कसम है उनकी जो बहुत तेजी से प्रवास करते हैं, और उसके बाद ये कहा कि कसम है उनकी जो सबकत ले जाते हैं। चार कसमें खाई और ये कहा सख्ती से जान निकालने वालों की कसम, आसानी से जान तलब करने वालों की कसम, सबकत करने वालों की कसम, तेजी से परवाज करने वालों की कसम। और फिर ये आवाज दी पांचवी आयत में, फल मुदब्बिरात अमरन, कसम है मुझे उन लोगों की जो मुझ अल्लाह के अम्र की तदबीर करते हैं। कसम है, तवज्जो करते रहिए, कसम है मुझे उन लोगों की जो मुझ अल्लाह के अम्र की तदबीर करते हैं। इसका मतलब है कि कोई तो है, अभी मुझे इससे बहस नहीं है कि कौन है, लेकिन ये तय है अम्र अल्लाह का है, चलाते ये है। लोग ये समझे पहली चार आयतों की वजह से कि शायद ये मलकुल मौत और उन फरिश्तों की बात हो रही है जो तेजी से परवाज कर रहे हैं, शायद ये समझे कि इजराइल की गुफ्तगू है, और सूरह ज़ारियात में फिर फरमाया फल मुकस्समात अमरन, कसम है उनकी जो रिज्क तकसीम करते हैं। इतनी बुलंद सलवात भी पढ़ दीजिए ना आले मोहम्मद की बात पे। देखिए मेरे मुसलसल सुनने वाले अहबाब तशरीफ फरमा, और मुझे ये याद दिलाने की जरूरत हरगिज नहीं होनी चाहिए कि आपका उठता हुआ हाथ खतीब की ताईद में नहीं गदीर की ताईद में उठता। नौजवान हाथ उठाते रहेंगे तो पता चलता रहेगा सारे गदीरी है मेरे सामने। तवज्जो कीजिएगा, लोग इस गच्चे में, इस मुगालते में है, इस गलत फहमी में है कि शायद ये मुकस्समात अमरन रिस तकसीम करने वाले तो मिखाइल की बात हो रही है, वल्नाशिदात नश्तन इज़राइल की बात हो रही है। चलिए मैंने मान लिया कि पहली मर्तबा तो इज़राइल की बात हो रही है, मलकुल मौत सख्ती से जान खींचना, तो फिर ये दूसरी आयत में क्या कह रहा है वो जो आसानी से जान निकालते हैं। और नहीं फरमा रहे आप भाई, दूसरी आयत में भी इज़राइल का तज़किरा है, तो फिर मानना पड़ेगा कि इज़राइल तो एक ही है, कुछ की जान सख्ती से निकालता है, कुछ की जान आसानी से निकालता। मैं तलाश करता चला भाई कौन लोग हैं जिनकी जान सख्ती से निकालता है और कौन है जिनकी आसानी से निकालता है। अल्लामा मजलिसी ने हक़ुल यकीन में लिखा कि भरी हुई मस्जिद नबवी में पैगंबर अकरम की नजरें वहां आके रुक गई जहां अबू तालिब का नूर नजर बैठा है, और देख के कहने लगे या अली जब तुम्हारा चाहने वाला मरता है तो उसे ऐसा लगता है कि फूल सुंघाया गया है और उसकी रूह फूल में आ जाती है। मुझे किसी मंजिल तक आपको लेके जाना। तो कहने लगे कि साहब ये तो मलकुल मौत का तस्किरा है। मैंने कहा अच्छा, वल मुकस्समात अमरन, अम्र के तकसीम करने वाले, रिस्क की तकसीम करने वाले, बारिशों को बांटने वाले का रात का तस्किरा, रात वो फरिश्ता है जो हवाएं चलाता है बारिशें बरसाता है। कहने लगे अगर मिकाइल का तस्किरा तो रिस्क मिकाइल बांटते, और अगर रात का तस्किरा है तो रात हवाएं चलाता है। तो मैंने कहा साहब फिर ये फल मुदब्बिरात अमरन क्या? तो कहने लगे ये उन चार बड़े फरिश्तों का, जो रहे मैं नहीं चाहता कि कोई नौजवान इस कारवां से उछड़ जाए, ये चार बड़े फरिश्तों का तस्किरा है जो अल्लाह के निजाम में अमर को चला रहा है। अब मेरी मदद करते हैं तो मंजिल आसान हो जाएगी। कौन से हैं चार फरिश्ते? एक को जिब्राइल कहते हैं, एक को मिकाइल कहते हैं,
एक को इजराइल कहते हैं, एक को इसराफील कहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये चार फरिश्ते अल्लाह के अम्र की तदबीर करते हैं और निजाम अम्र को चला रहे हैं, लेकिन इजराइल हो, मीकाईल हो, इसराफील हो, इजराइल, अगर ये चारों अम्र की तदबीर करने वाले हैं तो आइए, जिब्राइल को मैंने किसी का झूला झुलाते देखा है, इजराइल को किसी के दर पे रुका देखा है, मीकाईल को चक्की चलाते देखा है, इसराफील को कदम उठाते देखा, तो मैं क्या करूं? खादिम कबूल है, मालिक कबूल नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, तो अर्ज करो एक बाजमात सलावत पढ़ी आले मोहम्मद की जात पे। खादिम कबूल है, मालिक कबूल नहीं है। नहीं, जिन्हें वक्त याद आ गया उन्हें याद आ गया, और जिन्हें नहीं याद आया, पैगंबर अकरम दुनिया से जा रहे हैं और शहजादी की आगोश में सर रखा हुआ है, तो तीन बार दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ है, बार बार सैयदा पूछ रही है कौन है, जवाब नहीं आता, कौन है, जवाब नहीं आता, तो पलट के तीसरी मरतबा सरवर कौन है ने फरमाया, सैयदा ये इजराइल है जो बगैर पूछे हर एक के घर में आता है। कहां बैठे हैं? जो बगैर पूछे हर घर में आता है, वो आके कह रहा इजाजत है, वो आके कह रहा इजाजत है। तो फल मुदब्बिरात अमरन, कोई तो है कि अमर अल्लाह का तदबीर वो करते हैं। मैं तो मुश्किल में आ गया मेरे मालिक, ये चारों फरिश्ते हैं, तो फिर आले मोहम्मद क्या? तो मैं तलाश करता हुआ चला तो आवाज़ कुदरत आ रही थी, जब घबरा जाया करो, मुश्किल में आ जाया करो, तो घबराया ना करो, मुश्किल कुशा के दरवाजे पे आया करो। हर घर में मफातीहुल जना मौजूद है, जाइए और ज़ियारत जामिया को उठाइए और उठा के देखिए, ये फिक्रे ज़ियारत जामिया में मौजूद है। जब तमाम अहले बैत की ज़ियारत पढ़ो तो ये कहो, ऐ आले मोहम्मद, अल्लाह का अम्र, जुमला आपके हवाले, अल्लाह का अम्र तुम्हारे घरों में नाजिल होता है, तुम्हारे हाथ जारी होता। शानदार सलावत पढ़िए सब बुलंद आवाज। मुझे आपको किसी मंजिल पे लेके जाना। अल्लाह का अम्र तुम्हारे घरों में नाजिल होता, तुम्हारे हाथों पे, बोलेंगे तो बात बनेगी, जारी होता। इसका मतलब है कि ये घर है। अब जो ये का इशारा भी ना समझ सके उसे कैसे समझाओ? ये घर है जहां अल्लाह का अम्र उतरता है, और ये घर है जहां जारी होता। तो भाई मैं अल्लाह का अम्र तलाश भी तो करना है ना, कि अल्लाह का अम्र है क्या। इजाजत है एक दो आयतें पढ़ता चलो। मैं अक्सर क्या करता हूँ, कुरान को कहो कि जिसको बलने के बाद आले मोहम्मद का मुनकर तड़प तो सकता है, निकल नहीं सकता। अल्लाह का अम्र है क्या? सूरह मुबारक का नहल ने आवाज, सखर लकुमुल लैल वन नहारा व शम्स वल कमर वन नजूम मुसखरा तुम बे अमरे। ए आले मोहम्मद, हमने सूरज को तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया। बड़ी आसानी से सुना है आप। ए आले मोहम्मद, हमने सूरज को तुम्हारे अख्तियार में दे दिया, चांद को तुम्हारे मुसखर कर दिया, वन लैल वन नहारा, रात तुम्हारे कंट्रोल में, दिन तुम्हारी ताकत में, सूरज और चांद तुम्हारे जेर नगी। और फिर आवाज दी, सखर लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्ज जमीया, जमीन व आसमान में जो है वो तुम्हारे मुसखर कर दिया। अच्छा, मैं जरा एक लम्हे ठहर के अपने नौजवान दोस्तों को मुसखर समझाता चलूं। किसी मकाम पे इमाम बारगाह इमाम हुसैनी मिशन में बहुत तफसील से तस्खीर पे गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि एक दुआ है जो आप पढ़ते हैं जब भी गाड़ी में बैठते हैं, सवारी में बैठते हैं, तो दुआ पढ़ते हैं या नहीं? सुभान अल्लज़ी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू। हाँ जी, नहीं याद है, वो तो मेरी मदद करते रहे ना। तस्बीह के लायक है वो जात जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसख्खर किया,
और अगर वो मुसखर ना करता तो कभी हम मित्र बेहतर रहेगा, कभी हम इस सवारी पे करार ना पाते। इसका मतलब है कि अगर मेरी सवारी मेरा मुसखर है तो मैं चाहूं और घोड़े पे सवार हो तो घोड़े की बाग पकड़ के दाएं मोड़ू। कहां बैठे हैं मेरे सुनने वाले? घोड़े की बाग पकड़ के दाएं मोड़ू, चाहूं तो तेज चलाऊं, चाहूं तो धीमा करूं, चाहूं तो रोक लूं। ये है मुसखर करना, मेरी सवारी मेरे इशारे पे चले तो ये है मुसखर। अल्लाह कह रहा सूरज तुम्हारे मुसखर, चांद तुम्हारे मुसखर, रात तुम्हारे मुसखर, दिन तुम्हारे मुसखर। चाहो तो उंगली के इशारे से तोड़ दो, चाहो तो इशारे से पलटाओ, चाहो तो रात को दिन बनाओ, चाहो तो दिन को रात बनाओ। और जुमला कहूं, चाहो तो खुद बनाओ, चाहो तो अपने गुलाम से कहो, जब तक तू अजान न दे सुबह की नमाज न होगी। मिलके मौला कहा मुझे आपको जिक्र मौला हसन तक लेके जाना। मगर चलते रहिएगा मेरे साथ, मुझे आपको जिक्र हसन से मुत्तसिल करना है। लेकिन आगे बढ़ के ये कहा कि सूरज चांद रात दिन सब तुम्हारे मुसखर कर दिया। वन नजूम मुसखरातुम बि अम्रिह, मगर देखो ये जो सितारे हैं ना, ये हमारे अम्र के मुसखर है। पालने वाले, इतना बड़ा सूरज दे दिया, इतना बड़ा चांद दे दिया, रात दिन नबी को और नबी के खानवादे को दे दिए। मुझे नहीं पता कौन बेदार है और कौन थका हुआ है, मुझे तो जुमले आपके हवाले कर रहे हैं। सूरज चांद ने दे दिए, रात दिन ने दे दिए, जमीन और आसमान ने दे दिए। पालने वाले, ये छोटे छोटे सितारे बचा के क्या करेगा? मैं अगर आपसे कहूं साहब ये घड़ी बड़ी कीमती है आपने कुर्बान कर दी, ये अंगूठी बड़ी कीमती है आपने कुर्बान कर दी, मगर ये सस्ता सर रुमाल नहीं दूंगा, तो आप सोचेंगे तो सही जाती साहब तबीयत ठीक है, इतनी कीमती चीजें कुर्बान करके ये सस्ता सर रुमाल क्या बचा रहा है। मैंने भी अल्लाह से मानने वाले, ये सूरज चांद ये रात दिन ये दुनिया ये आसमान ये जमीन सब आले मोहम्मद को देख जरा जरा से सितारे बचा के क्या करेगा? पलट के कहा तुम नहीं जानते कल किसी की चौखट पे सितारा उतरना है। अगर इनके मुसखर कर दिया लोग ये कहेंगे अपने अख्तियार में था खुद उतार लिया। अपने इख्तियार में तो था खुद उतार लिया, तो पालने वाले अपने अमर में रख के क्या बताना चाहता है? का अब जब अली की चौखट पे सितारा उतरेगा तो लोग आयत पढ़ेंगे वन नजूम मुसख्खरातुम बि अम्रिह, ये सितारे मेरे अमर के ताबे हैं। अब जब तारा उतरेगा, जुमला आपकी नजर जैसे दिल चाहे सुनिए, अब जब तारा उतरेगा तो अली की चौखट पे अपनी पेशानी रख के बताएगा टूटा हुआ नहीं हूं भेजा हुआ। नहीं हूं मैं जिस अल्लाह को अली की शादी पे शक गवारा नहीं है उसे अली की विलायत पे शक कितना बुरा लगता होगा। तवज्जो कीजिएगा, एक अमर यह है कि सितारों की चाले उसके इख्तियार में, ये अल्लाह का अमर है, मुझे जिक्र हसन तक आपको लेके आना है। दूसरा अमर आपके हवाले करूं, और अगर सिर्फ अमर की आयतें पढ़ने लग जाऊं तो बाकी की तकरीर आयतों के पढ़ने में गुजर जाएगी, लेकिन मुझे तो वली अहद अमीरुल मोमिनीन के जिक्र तक आपको लाना है। तू सुना है मैंने, अगर ठीक सुना हो तो मेरी तायीद कर दीजिएगा, अगर गलत कह रहा हूं तो तरदीद कर दीजिएगा। सुना है कि कभी इतना पानी बरसा आसमान से कि सारी दुनिया में तूफान आ गया, ठीक सुना है?
बोलेंगे तो बात नहीं है। जिक्र अहले बैत में बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान का कबीला पहचाना जाता है। तो नौजवान भाई मेरी मदद करते रहेंगे मंजिल आसान हो जाएगी। कब की बात है? यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया। कुरान कहता है वह फतहना अबवाब समा बिमा इन मुनहमिर, हमने आसमान के दरवाजे बेमकदार पानी के लिए खोल दिया। हमने तवज्जो रहे, हमने आसमान के दरवाजे बेमकदार पानी के लिए खोल दिए, फिर हमने जमीन के चश्मों को उबाल दिया और वो बेमकदार पानी के साथ बहने लगे। आसमान की बारिश को और जमीन के चश्मों को अल्लाह ने अपना अम्र कहा है और ये ताकत अपने पास रखी है कि आसमान की बारिशें और जमीन के चश्मों से जो पानी अगर जाहिर हो तो वो हमारे अम्र से होगा और आसमान के सितारे चलेंगे। हाँ बोलेंगे दोबारा, हमारे अमर पर। अगर ये जुमले मेरे सुनने वालों तक पहुंच गए तो फुजैल बिन यसार कहता है कि मदीने में कहत साली का वक्त आया और ऐसे में हम सब नमाज इस्तस्का पढ़ी जाती है बारिशों के लिए, हम ऐसे में सब के सब नमाज इस्तस्का पढ़ने के लिए खुले आसमान के नीचे आए। बर्रल हसन अल मुश्तबा, वहीं से हसन को गजर हुआ तो कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कब बारिश की दुआ कर रहे हैं? तो एक मरतबा अली के वली अहद ने सर उठाया, कब बारिश चाहिए? कहो तो पानी बरसाओ, कहो तो बर्फ बरसाओ, कहो तो मोती बरसाओ। तवज्जो कीजिएगा, कहो तो बारिश बरसाओ, कहो तो मोती बरसाओ, कहो तो बर्फ बरसाओ, बताओ किसकी बारिश हो? कहने लगे यमना रसूलुल्लाह मा अहबब तो इलाइक, जो आपको महबूब हो। यही अकीदा चाहिए, जो आपको महबूब है वो बारिश बरसा दीजिए। कहने लगे अच्छा तो फिर नीयतें खराब ना करना, अभी पानी भी बरसेगा। कहां बैठे मेरे सुनने वाले? बर्फ भी गिरेगी, मोती भी बरसेंगे, लेकिन तुम्हें मोती उठाने नहीं है। ऐसे में इमाम ने सर आसमान की तरफ उठाया, बारिश है अल्लाह का अम्र। अब इस मजलिसी मजमे को मुझे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है, दो साल कबल इसी मेंबर से आपको सुना चुका हूं कि अमीर शाम के पास एक शख्स आया था जिसे कैसर रोम ने भेजा था और वो सवालों को अली से जवाब लेने आया था। तो उसने क्या पूछा था? 10 चीजें बताइए जो एक दूसरे से सख्त है। वाकया जिन्होंने सुना वो उन्हें याद आ गया, 10 चीजें बताइए जो एक दूसरे से सख्त है। इमाम हसन ने कमसिनी में बताया पत्थर दुनिया में सबसे सख्त है, मगर लोहा पत्थर को काट देता है वो उससे सख्त है। आग, तवज्जो, आग लोहे को पिघला देती है वो उससे सख्त है। पानी आग को बुझा देता है, वो आग से शदीद है। बादल मनोटनों पानी को उड़ा के ले जाता है वो उससे सख्त है। उसने कहा मौला बादलों से सख्त क्या है? कहा हवा जो इन बादलों को चला देती है। मुझे नहीं पता था कौन गया और बेदार कौन है, मैं तो जुमला अपने सुनने वालों को हदिया कर रहा हूं। हवा वो है जो बादलों को चला देती है। तो कहा हवा से सख्त कौन है? कहा वो फरिश्ता जो हवाएं चलाता है। मैंने किसी मकसद से आए थे आपके हवाले किए, वो फरिश्ता जो हवाएं चलाता है कमौला उससे सख्त क्या है? कमल कुल मौत जो फरिश्ते को मारता है। उन्हें कहा उससे सख्त क्या है? का मौत जो मैंने गुलमौत को मारती है। उसने कहा उससे सख्त क्या है? जुमला अल मोहसिन हॉल के इस बेदार मजमे के हवाले का मौत से सख्त है अल्लाह का अम्र। और सुन, हम अल्लाह के उन्होंने अम्र है। सुन, हम अल्लाह के ओले अम्र। इसका मतलब है कि इन 10 की 10 चीजों से अम्र सख्त है, ये ओले अम्र है। इमाम ने बारिश को बरसाया तो लोग हैरत में थे। अब याद रखिएगा, सितारे सिर्फ उसके अम्र में हैं,
उसने अहले बैत को, अली को, नबी को सब दिया, मगर ये कह के सितारे रोके कि अली कहीं तुम्हारी शादी पे लोग शक न करें, तो हमने सितारों को अपने अमर में रख दिया। शायद फजीलत हसन में मैं इससे बड़ा जुमला न कह सकूं। लोग अभी हैरत में थे कि हसन के कहने पे पानी भी बरसा, मोती भी बरसे, बर्फ भी बरसी। रावी कहते मैंने देखा यदुल्ला के बेटे ने हाथ बढ़ाया, आसमान के सितारों को पकड़ के मुट्ठी में बंद किया और ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई छोटी सी चिड़िया को उड़ा देता है। आपको पता चला जो अम्र किसी उलेल अम्र को अल्लाह ने नहीं दिया, वो अम्र भी हसन मुज्तबा को दिया। इस घराने की फजीलत का कमाल ही यही है कि चेहरे बता देते हैं कि जुमला पहुंच गया है। आपके खिलते हुए चेहरे बता रहे हैं कि मेरा जुमला पहुंच रहा है। अल्लाह सब मिलके मौला का नाम लेंगे। मौला के नाम पे सब मिलके बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दीजिए। परेशान तो नहीं हो रहा ना मेरी बातों से? तवज्जो कीजिए, ये अल्लाह का अम्र है। तो अब जो जो अम्र है वो अम्र भी हसन को मिला है। नजम, सितारे, सूरज, चांद, एक मौका याद दिला दूं अपने सुनने वालों को। नमाज का वक्त आया और सूरज डूब गया तो अली ने क्या किया? हाथ के, चलिए आप भी खामोश हो जाए मैं भी खामोश, हाथ के बोलते रहेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। हाथ के इशारे से सूरज पलटा लिया। रावी कहता है कि मैं इमाम हसन की बज्म में बैठा हूं और ऐसे में कुछ लोग आए और उन्होंने आके कहा क्या आप भी वैसे ही उलिल अम्र हैं जैसे आपके बाबा उलिल अम्र थे? जो रखिएगा, साहिब दलाइलुल इमामा अल्लामा मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने इस रिवायत को अपनी किताब दलाइलुल इमामा में लिखा और वहां से नकल करते हुए अल्लामा मजलिसी ने भी, हाशिम बहरानी ने भी और जितनी किताबें मौजजात इमाम हसन पे लिखी गई हैं ये रिवायत आपको मिल जाएगी। बड़ी मुख्तसर मगर बड़ी पुरकार रिवायत है। आके आने वाले ने कहा क्या आप भी वैसे ही साहिब थके नहीं बेदारी के साथ, नहीं बेदारी के साथ जुमला महफूज कीजिएगा, आप वैसे ही साहिब अमर हैं जैसे आपके बाबा अली थे। तो कहने लगे, ये वाकया जनाब अमीर की शहादत के कई बरसों बाद का वाकया, तो क्या आप भी वैसे ही साहिब अमर हैं जैसे आपके बाबा थे? मुस्कुराए मेरे मौला हसन, कहने लगे ये सवाल मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तवज्जो कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। काली को दुनिया से गुजरे हुए, पर्दा फरमाए हुए, शहादत को कितने बरस हो गए? का कई बरस हो गए? का अच्छा का अली को देख रखा है? तवज्जो, अली को देख रखा है, कमाना देख रखा है, हम शियाने अली में से। का आज देखोगे तो पहचान लोगे, आज देखोगे जुमला जाया ना कीजिएगा, आज देखोगे तो पहचान लोगे। का हुजरे का पर्दा हटाओ, पर्दे का हटना था, चीख मार के कहने लगे ये तो अली बैठे हैं। बस बताना ये है, जो डूबा हुआ सूरज पलटा है वो अली होता है, जो छुपा हुआ अली पलटा है वो हसन। पता नहीं और फरमा रहे हैं, जो डूबा हुआ सूरज पलटा ले वो अली होता, जो छुपे हुए अली को पलटा ले वो हसन मुज्तबा होता। भाई कोई तो वजह है ना कि अली जैसे साहिब कमालात ने सलावात पढ़ी। इससे बुलंद और बेहतर सलावात पढ़ दीजिए सबने। मुझे बहुत तेजी से गुफ्तगू को कामिल करना, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अली जैसे साहिब कमालात ने, नाजुल बलागा तो हर घर में है,
69 मकतूबात हैं, वो खत हैं जो जनाब अमीर ने लिखे हैं और नहजुल बलागा में मौजूद हैं। मेरे नौजवान भाई और दोस्त जाएं और घरों में जाके वेरीफाई करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। इन्हीं में से 31वें मकतूब में जो अली ने सिफैन के मारे के से अपने बेटे हसन के नाम लिखा है, मैं क्या बताऊं कि हसन क्या है। बताए तो वो बताए जिसने गोद में पाला है, तवज्जो कीजिएगा। किसी मकाम पे मैं बहुत तफसील से बता चुका हूं और आपने उलमा से ये रिवायत, ये जुमला, ये हदीस सुन रखी है कि अल वलद जुज्जन ले अभी, बेटा बाप की जुज होता है, उसका बाज हिस्सा होता है और बाप के खसाइस बेटे में होते हैं। अली ने सिफैन से खत लिखा है हसन मुज्तबा और उसमें ये जुमला लिखा है, वजद तो कबाजी बल कुल्ली, अ मेरे लाल हसन मैंने तुम्हें अपना बाज पाया। क्योंकि हर बेटा बाज होता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये फरते मोहब्बत फरते जज्बात नहीं है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का जो कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। ए अली, ये बेदार मजमा मुझसे पूछ रहा है, ये हसन को क्या लिखा, वजद तो कबाजी मैंने तुम्हें अपना बाज पाया। तो कहा अगला फिक्रा पढ़ो, बल कुल्ली, ए हसन मैंने तुम्हें बाज नहीं बल्कि अपना कुल पाया। ना 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 ना, मैं जरा सा पीछे ले जाऊं, ये अय्याम में सफर है, अब पीछे समझ लीजिए या आगे समझ लीजिए, रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादुल अव्वल जमादुल सानी रजब, मंजर याद दिला रहा हूं, मदद आपको करनी। काबे का सहन है, अल्लाह का घर है, और ला वलद लम यलिद वलम यूलद के घर से किसी बच्चे की आवाज आ रही है, जिनके लिए था मेरा जुमला उन तक पहुंच गया, लम यलिद वलम यूलद के घर से किसी बच्चे की आवाज आ रही है। अब जो हवाला देखना चाहे वो मेरे पास आ जाए, और ये आपको कम से कम बताने की जरूरत नहीं है कि आंख से देख के पढ़ने का आदि हूं, कान से सुन के नहीं। शेख तूसी ने अपनी अमाली में ये जुमला लिखा कि जब बिनत असद अली को काबे से बाहर लेके आई तो एक हातिफ गैबी की सदा आई है। मुझे एक ही जुमला सुनाना है आपको, हातिफ गैबी की सदा आई है, एक हातिफ की निदा आई है, और आवाज यह थी, इस बच्चे का नाम हमने अली रखा है, हमने तुम नहीं रखोगे, हमने अली रखा है, वो अली लाला है, ये अली इब्ने अबी तालिब। तो जो आवाज आई थी वो फिक्रा महफूज कीजिए, हमने इस बच्चे का नाम अली रखा है। खलक्तो मिन कुल्ली, अल्लाह कह रहा है मैंने इस अली को अपने कुल से बनाया है। चाल भाई, मैंने जो पैगाम देना था दे दिया, मैंने इसको अपने कुदरत के कुल से बनाया है। बस बताना ये है, अली को अल्लाह ने कुल कहा, हसन ने जो खत पढ़ा तो अली के लफ्ज ये हैं, बलंता कुल्ली तुम मेरे कुल हो। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, उर्दू जबान का सादा सा जुमला कह के मैं गुफ्तगु को तमाम कर दूंगा। अली को बनाया है अल्लाह ने अपने कुदरत के कुल से, अली कह रहे हैं ये मेरा कुल है। आपको पता चला 15 रमजान को अली के हाथ पे हसन नहीं है, कुदरत की कुल्लियात रखी हुई है। जो लफ्ज सुनना जानते हो तो मेरे साथ हो जाए। सब मिलके सलावत पढ़ दे आले मोहम्मद, वजद तो का बाजी बल कुल्ली, मेरे लाल मैंने तुझे अपना बाज पाया। फिर कहा नहीं, अली ने तुम्हें अपना कुल पाया है, वो अली। जुमला आ गया और कहे बगैर मैं टल नहीं सकता, वो अली जो खुद कुल का कुल ईमान है, वो हसन को कह रहा है तुम मेरा कुल हो। इसका मतलब है कि अगर फलायत अली दिल में हो भी और फजीलत हसन पे चेहरा बिगड़ जाए तो कुल का कुल ईमान चला जाए।
अल्लाह के अमर को मैंने आपको, तो अब जैसे जैसे अली वैसे वैसे हसन है। डूबा हुआ सूरज अली पलटा रहा है, छुपा हुआ अली हसन दिखा रहा है। कोई तो बजाए शायद इससे बड़ी बात न मैं कर सकूं न कह सकता हूं। वाकई आपका सुना हुआ है, मैं तो बात इशारे में कहकर गुजर जाऊंगा। सुना है कि जब अली दुनिया से तशरीफ ले गए तो हसन ने मुश्तबा से कहा था कि देखो मेरा जनाजा लेके नजफ की तरफ जाना, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, नजफ की तरफ जाना, तो कोई आएगा, पता नहीं कहां बैठे हैं, उसे मेरा जनाजा दे देना। कायनात में एक ही है अली जो अपना जनाजा खुद लेने आया, ठीक है ना, वाकई याद आ गया है ना जो पीछे तक कुछ बरमा है। अली अपना जनाजा खुद लेना है, बात आपकी सुनी हुई है, मुझे एक ताजा तर रुख आपके हवाले कर रहा है और मैंने गुफ्तगू को तमाम कर दिया। आया तो अली ने वसीयत की थी, अबू मोहम्मद कुनियत है मेरे इमाम हसन की, तो कहा था ए अबू मोहम्मद जब आने वाला आएगा ना उससे नाम पूछना ना उससे उसकी शनाख्त पूछना। चला बात करिए, इस नारे पे तो नहीं पढ़ सकता ये जुमला, गुफ्तगू तमाम हो गई है। कहा है अबू मोहम्मद जब आने वाला तुमसे जनाजा मांगे तो जनाजा उसके हवाले कर दो, पूछना नहीं कि कौन, तवज्जो कीजिएगा। बड़े नाजुक मरहले फिक्र पे फजीलत हसन के मैं अपने सुनने वालों को ले रहे, चले जनाजा लेके चले कूफे से बाहर, शहादत हो चुकी है अली की, गुस्ल कफन हो चुका है और हसन जनाजा लेके जा रहे हैं। ऐसे में एक शख्स आया, चेहरे पे नकाब है, जानते हैं आप कौन है, हाँ थक के नहीं सुना, जानते हैं आपके अली है। आए जनाजा लिया, मेरे मौला हसन मुस्तफा ने जनाजा दिया, पलटे चले, चार कदम चले थे, अब एक एक शख्स रजाकार हो जाए बेदार हो जाए। हसन मुस्तफा ने आवाज देकर कहा जाने वाले किफ अला मकाने, जाने वाले रुक अपने मकाम पे, जाने वाला रुका का अपना तारुफ कराओ। पलट के आने वाले ने कहा हसन तुम्हारे बाबा ने कहा नहीं था क्या आने वाले की शनाख्त पूछना, कब उस वक्त की हुज्जत का हुक्म था, मैं वक्त की हुज्जत हूं, चेहरे से नकाब हटाओ। अली ने नकाब हटाया तो जिंदगी में एक बार सही, लेकिन मुझे कहने की इजाजत दीजिए, पहला बेटा है जिसने बाप पे हुक्म चलाया। तो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जिंदगी में एक बार ही सही, लेकिन ये तो कह सकता हूं ना कि एक बार तो अली ने हसन के हुक्म को क्यों, देखिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं। आज अगर हजरत का जहूर हो जाए और रिसालत माब और जनाब अमीर आ जाए तो मैं हदीसों की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नमाज मेहदी पढ़ाएंगे, नबी और अली पीछे पढ़ेंगे। तो ये मामला अफजल और मबजूल का नहीं है, हुज्जत का है, क्योंकि जमाने की हुज्जत हसन है। अली ने बताया जब मैं अली होके हुज्जत जैसी हुक्म का तामील कर रहा हूं, मैं बाप होकर हसन का इमाम होकर हसन के हुज्जत की मर्तबा बता रहा हूं। अजमत है हसन मुस्तफा, बाप होकर अली मकाम हसन बता रहा है, अली ने रोक के बताया वक्त की हुज्जत हसन है।
खबरदार, ये हुज्जत की ताजीम का मामला। अगर हुज्जत ने कहा है कि मुझे नबी के बराबर में दफन करना, तो खबरदार हुज्जत के जनाजे पे तीर न चलाना। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। गरीब से गरीब शख्स का जनाजा भी एक बार घर से निकल जाए ना, लौट के घर में वापस नहीं आता। ये जन्नत के जवानों के सरदार का जनाजा है। पंजतन घर में बैठे हुए थे, ऐसे में आसमान से हजरत जिब्राइल जन्नत का कफन और जन्नत का काफूर लेकर आए। अपनी आवाजों को आजाद कीजिए, आजाद कर। जिस हुसैन का पुरसा देने के लिए आप मजलिसों में आते हैं ना, अल्लाह जाने किस मोमिन के दाएं बाएं आज वो हुसैन पुरसा लेने आया। अजरकुम अल्लाह। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे, पालने वाले उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाए पे बुलंद होती हैं। तसव्वुर करना आजादारो, मदीने के शहर में हुसैन भाई के जनाजे पे चीख मार कर रोए। आज अली की बेटियां चीख मार के रो रही। जिब्राइल ने एक कफन रसूल को दिया, एक काफूर रसूल को दिया, एक कफन अली को दिया, एक काफूर अली को दिया, एक कफन सैयदा को दिया, एक काफूर सैयदा को दिया। दो कफन और दो काफूर बचे थे। जनाब जैनब रिवायत करती है कि मैं देख रही थी शायद अब एक कफन हसन को मिलेगा, एक कफन हुसैन को मिलेगा। एक मर्तबा नबी ने हाथों को आगे बढ़ाया तो जिब्राइल ने आवाज दिया, रसूल अल्लाह ये दोनों कफन हसन के हैं, दोनों काफूर हुसैन के हैं। मैं सोचती रही हसन मेरा अमीर भाई है, हुसैन मेरा गरीब भाई है, मगर जब 28 को जनाजा चला और तीरों में ढका हुआ जनाजा वापस आया तो जैनब ने फिज्जा के गले में बाहें डाल दी, कहा बीबी क्या हुआ, कहा जिन्होंने मेरे अमीर का ये हाल किया है वो मेरे गरीब का। जहर दिया गया था अली बिलाल को। अजादारों किताबों में मैंने ये लफ्ज देखे हैं, ये जहर इतना कातिल था कि अगर किसी तालाब में इसका एक जर्रा गिराया जाए तो आप ही हयात तड़प तड़प के मर जाए। अजरकुम अल्लाह। वो जहर जब हसन मुज्तबा को मिला तो एक मर्तबा कलेजा कटना शुरू हुआ। हाँ, जब कलेजा कटा तो एक मर्तबा बहन आगे बढ़ी। आपने सुना है ना, एक तश्त में जिगर के टुकड़े लिए, लेकिन जब पहली कह आई तो जैनब के पास तश्त न था, एक मर्तबा हाथों का प्याला बनाया हसन के जिगर के टुकड़े। हाय ज़ैनब कुबरा की किस्मत है, कभी हाथों में हसन के जिगर के टुकड़े लिए, कभी 70 कदमों से भाई के गले में फिर। अजरकुम अल्लाह। मैं दुआ दे सकता हूं जो आंख इस गम में रोती है, खुदा किसी गम में न रुलाए। एक मर्तबा जिगर के टुकड़े होते जाते थे और हर कै में हसन के जिगर के टुकड़े निकलते जाते थे, मगर जब शहादत का दिन करीब आने लगा तो एक मर्तबा हुसैन ने जानू पे भाई का सर रखा, हसन मुस्तबा ने सर को हटा लिया, हुसैन ने फिर जानू पे सर रखा, देखा भाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कहा भैया ये सर क्यों हटा लिया, तो कहा हुसैन आज तो मेरा सर तुम्हारे जानू पर है, मगर मैं
چشم امامت سے دیکھ رہا ہوں. کل کربلا میں نہ عباس ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے, تمہارا سر بقیہ سے آواز آئے حسن میرے لال ماں فاطمہ. اجرکم اللہ. میں بہت تفصیل سے مسائل نہیں پڑھ سکتا, ابھی تابوت بھی آئے گا, ابھی زلجنہ بھی آئے گا. سنو گے عزاداروں, میں نے کبھی یہ مسائل نہیں پڑھے, لیکن آج جو زلجنہ آئے گا نا, ایک زلجنہ حسن سے چھینا گیا تھا, وہ زلجنہ عباس کربلا میں چھین کے واپس لائے تھے. جب وہ زلجنہ, اس گھوڑے کا نام تاویہ تھا, جب تاویہ کو لے کے عباس آئے اور تاویہ آ کے زینب کے خیمے کے باہر رکا, تو بیویوں کو حسن مصطفیٰ یاد آ گئے. راوی کہتا ہے ایک بچہ تھا جو کربلا میں اس گھوڑے کی تابوں سے لپٹ کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم باپ. ہاں کربلا میں بھی حسن کا ماتم ہوا ہے. کس نے کیا؟ قاسم نوشہ نے کیا تھا. عزاداروں, دو برس کے قاسم کو بلایا, قوم نے فرما میرے قاسم کو لایا جائے. ایک مرتبہ باپ نے قاسم کو سینے پہ لٹایا, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے شہزادے بڑی مصیبت کا وقت ہے, مگر باپ کے سینے پہ جگہ تو مل گئی. ارے سکینہ مقتل میں آئے باپ کا سینہ پیرا سے چل لے. اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں زیادہ روتے روتے تھک گئے ہیں آپ, مگر اس ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے ہو گئے نا, جس نے جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے, کبھی ایک عزا خانے میں جاتی ہے کبھی دوسرے عزا خانے میں جاتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے کوئی میرے بچوں پہ رونے والا. عزاداروں جنازہ تیار ہوا, حسین نے غسل و کفن دیا. جب جنازہ دفنانے کے لیے گھر کے مرد گھر سے جاتے ہیں نا, تو ایک طریقہ ہے کہ گھر کی بیویاں مردوں کا انتظار کرتی ہیں, ابھی ہمارے بھائی آئیں گے ابھی ہمارا بابا آئے گا. جو جنازہ دفنا کے آتا ہے اس سے پرسہ لیا بھی جاتا ہے, اسے پرسہ دیا بھی جاتا ہے. عزاداروں حسین بھائی کا جنازہ لے کے چلے تھے, علی کی بیٹیاں دروازے پہ انتظار کر رہی تھی, مگر ایسے میں اب جو زینب نے دیکھا 70 پیروں بھرا جنازہ تھا علی کی بیٹی کا غسل. اجرکم اللہ. آخری دو جملے سن لینا عزادارو, ابھی تابوت بھی آئے گا ابھی زلجنہ بھی آئے گا. عزادارو ایک مرتبہ تیروں بھرا جنازہ تھا, بھائی نے بہن کو دیکھا, وہ جو کفن سفید چلا تھا نا وہ کفن سرخ ہو چکا تھا, تیر لگے ہوئے تھے. بہن نے بھائی کی طرف دیکھا کہ زینب تم شریکت الحسین ہو, آدھے تیر تم نکالو آدھے تیر حسین نکالے گا. عزادارو آدھے آتے تیر بہن اور بھائی نے نکالے, مگر علامہ پیر جندی نے لکھا ایک تیر حسن کے جنازے میں ایسا تھا نہ زینب سے نکلتا تھا نہ حسین سے نکلتا تھا. میں نے مقاتل کو دیکھا وہ تیر کہاں لگا تھا, میں جملہ نہیں کہہ سکوں گا, بس اتنا سن لیجئے جہاں کربلا میں علی اصغر کو تیر لگا تھا حسن کے جنازے میں, وہ حسنہ.